70 के दशक का ये वो दौर जब फिल्म पर्दे एक या दो नहीं बल्कि कई सितारों का जलवा कायम था। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो छोटे मोटे रोल तक ही सिमट कर रह गए और कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, पर इनकी जिंदगी काफ़ी सुर्खियों में रही। इन्हीं सितारों में से एक हैं एक्ट्रेस हिना कौसर। हिना कौसर को ज़्यादातर लोग फिल्म अदालत के लिए जानते होंगे, जिसमें यह अमिताभ बच्चन की बहन के रोल में नजर आई। इस फिल्म का गाना बहना वो बहना बहुत हिट हुआ था। इसके बाद यह धर्म काटा, नागिन, निगाह, कालिया और जेल यात्रा जैसी कई फिल्म में नजर आई। दर्जनों फिल्म में काम करने के बाद भी हिना कौसर खुद की खास पहचान नहीं बना पाई थी। निर्देशकों पिता यानी मुगले हाजमा के निर्देशक के आसिफ की बेटी होने की वजह से इन्हें भले ही फिल्म मिल रही थी, लेकिन यह सफल एक्ट्रेस नहीं बन पाई। हिना कौसर की निजी जिंदगी इनकी फिल्मों से कहीं ज़्यादा चर्चा में रहे। इन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन, दाऊद इब्राहिम के दाहिना हाथ माने जाने वाले डॉन मोहम्मद इकबाल मेमनन यानी इकबाल मिर्ची से शादी की और फिल्म दुनिया छोड़ दी। हिना कौसर इकबाल से दूसरी पत्नी थी। शादी के बाद यह इकबाल मिर्ची के साथ लंदन में बस गई, लेकिन कुछ साल बाद ही इकबाल मिर्ची की लंदन में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद हिना कौसर अकेली रह गई। इकबाल से शादी करने के बाद से हिना कौसर फिल्म से दूर हो तो गई, लेकिन इकबाल की मौत के बाद इन्होंने सभी से कंठी काट ली। हिना कौसर अभी लंदन में ही रह रही है, लेकिन असल में ये कहाँ गुमनाम है इसकी कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। जय जय भारत।